अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं एक वॉकराउंड रिव्यू आपके लिए लेके आया हूं होंडाई सेंटोफे सिग्नेचर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का। तो सबसे पहले माजरत की इस गाड़ी को लॉन्च हुए, वैसे तो काफी टाइम हो गया हुआ है, बैक इन 2023 लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन मैं तकरीबन एक से डेढ़ साल बाद इसका एक रिव्यू आपके लिए वॉकराउंड लेके आ रहा हूँ। सो इस रिव्यू में मैं आपको इस गाड़ी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा, कुछ नेगेटिव, और ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है उससे रिलेटेड मैं आपसे जो है अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। सो रिव्यू में जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, साथ लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करें तो आपको मेरी लेटेस्ट आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो विदाउट फर्दर अडू अब हम चलते हैं अपने वॉकराउंड रिव्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम मौजूद हैं होंडाई कनाल मोटर्स के ऊपर और आज आपके लिए फोर्थ जनरेशन होंडाई सेंटोफे का एक वॉकराउंड रिव्यू आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। होंडाई ने 2023 में फोर्थ जनरेशन होंडाई सेंटोफे को लॉन्च किया था। टोटल दो वेरियंट्स इसमें लॉन्च किए थे, स्मार्ट और सिग्नेचर। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट सिग्नेचर है। अगर स्मार्ट वेरिएंट की प्राइस की बात करें तो 1,29,90,000 रुपीज़ और सिग्नेचर वेरिएंट की प्राइस 1,47,00,000 रुपीज़ है। फ्रंट हेडलाइट्स की बात करें तो गाड़ी में आपको 8 स्टाइल की आपको जो है वो फ्रंट में स्मार्ट LED लैंप्स मिल जाएंगे। फ्रंट पे बड़ी खूबसूरत सी आपको DRLs मिल रही हैं। फ्रंट पे बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी में ब्रश एलुमिनियम जो ग्रिल है वो यूज़ की गई है। नीचे आपको सिल्वर लाइनिंग और फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे। 4,785 mm गाड़ी की लेंथ है। 1,900 mm जो है वो गाड़ी की विड्थ है। गाड़ी की बैक लाइट्स की बात करें तो गाड़ी में बड़ी खूबसूरत सी आपको LED लाइट्स जो हैं वो लावा आपको मिल रही हैं, जो गाड़ी के बैक फेंडर से स्टार्ट हो रही हैं और गाड़ी के जो ट्रंक तक हैं वो जा रही हैं। बैक पे आपको फॉर क्लीनिंग आपको बैक वाइपर भी मिल जाएगा, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप और साथ आपको शार्फन एंटीना की भी ऑप्शन मिल जाएगी। 8-स्ट्राइक हाइब्रिड की जो बैजिंग है गाड़ी के ट्रंक पे आपको मिल जाएगी। LED टर्न इंडिकेटर्स विद 360 व्यूज कैमराज आपको गाड़ी में मिल जाएंगे। गाड़ी की टायर प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी में आपको कोरियन ब्रांड का कोमो कंपनी का जो है वो टायर मिल जाएगा। इसकी प्रोफाइल की बात करें तो 235/55 R19 inches का इसमें आपको व्हील मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें गाड़ी की कीज़ की, तो ये गाड़ी की कीज़ है कुछ ऐसी लुक, इसमें लॉक, अनलॉक और ट्रंक ओपनर और होल्ड का बटन जिससे गाड़ी ऑटो स्टार्ट हो सकती है। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो कीज़ की बिल्ड क्वालिटी बहुत मुझे पर्सनली पसंद आई है, सो इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो ये चूंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है तो सबसे पहले इसकी स्टेयरिंग की लुक्स की बात करें तो 3-स्पोक इसका जो है वो स्टेयरिंग व्हील है, ये आप देख सकते हैं, इसकी कुछ ऐसी लुक है। साथ इसमें आपको मल्टी मीडिया स्टेयरिंग कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम चलें तो इसकी आपको जो है एंड्रॉयड मिल जाएगी, 8 इंच की इसकी एंड्रॉयड की स्क्रीन है। एप्पल कारप्ले सारी इसमें आपको वॉइस काउंट मिल जाएगी, एप्पल कारप्ले लेकिन वो विद वायर्ड है, वायरलेस नहीं है। यहाँ पे चलें तो आपको AC के सारे जो बेसिक कंट्रोल्स हैं वो मिल जाएंगे। इसमें ड्यूल जोन आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिला हुआ है, ठीक है। साथ इसमें अगर हम बात करते हैं अब इसके ड्राइविंग मोड्स की, तो इस गाड़ी में आपको 6 ड्राइविंग मोड्स मिले हुए हैं जिसमें इको, स्नो, मड, सैंड, स्मार्ट और स्पोर्ट मोड है, जिसमें आप इको में और स्नो में आप स्नो मोड में कर सकते हैं। गाड़ी में आपको 7-स्पीड DCT ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन मिली हुई है, ऑटो होल्ड का फंक्शन और इसमें हीटेड स्टेयरिंग भी आपको मिला हुआ है। साथ इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिली हुई हैं, साथ आपको हीटेड कोल्ड सीट्स भी मिली हुई हैं, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छी है। साथ इसमें आपको एक कार्बन फाइबर फिनिशिंग टाइप का टच मिला हुआ है, लेकिन ये प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है, ये एक प्लास्टिक ही है, लेकिन इसमें कार्बन फाइबर फिनिशिंग टाइप की जो वो टच है वो इसको दिया गया हुआ है। स्टेयरिंग कंट्रोल्स की बात करें तो सबसे पहले गाड़ी में आपको बेसिक क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ से आप अपनी जो स्क्रीन है तो जो है गाड़ी के स्टेयरिंग कंट्रोल्स मिले हुए हैं, यहाँ से आप गाड़ी के जो मल्टीमीडिया इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑपरेट कर सकते हैं और यहाँ से आप गाड़ी की स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर बात करें इसमें आपको बेसिक क्रूज कंट्रोल मिला हुआ है जो आपको 100 के ऊपर जाके ये सेट हो जाता है, ठीक है। बेसिक क्रूज कंट्रोल है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है, जो कि मुझे कमी लगती है इस गाड़ी में कि इसमें एटलीस्ट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त होंडाई अपने किसी भी वेरियंट में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन नहीं दे रहा। गाड़ी के सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, साथ EBD ब्रेक्स की भी ऑप्शन आपको मिल जाएगी, प्लस आपको ब्रेक असिस्ट की भी ऑप्शन मिल जाएगी। तो गाड़ी में होस्ट ऑफ सेफ्टी फीचर्स हैं, तो सेफ्टी फीचर्स में होंडाई ने के जो नंबर है वो पूरे हैं, 10 out of 10 है। साथ अगर इसके इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मुझे पर्सनली इसके इंटीरियर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। ये ब्लैक विद इसमें होंडाई इस वक्त 2 कलर्स ऑप्शन इंटीरियर में ऑफर कर रहा है, एक ब्लैक है और एक कैमल इंटीरियर, ब्लैक विद कैमल इंटीरियर है। मुझे जो पर्सनली पसंद है वो कैमल ब्लैक इंटीरियर है, जिसकी लुक मुझे पसंद है। साथ आपको ये वैनिटी लाइट्स मिल जाएंगी, ऑटोमेटिक मतलब यहाँ से ऑन होंगी, टच में नहीं है। साथ ऊपर आपको बहुत क्यूट सी एक पैनोरामिक जो सनरूफ है वो आपको मिल रही है। सो ये साथ अगर हम यहाँ पे बात करें
यहाँ पे आपको साथ ट्रंक रिलीज की ऑप्शन, हेडलाइट एडजस्टमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन, और साथ यहाँ पे आपको जो पार्किंग ब्रेक है उसकी ऑप्शन रिलीज यहाँ पे मिली हुई है। साथ गाड़ी में आपको मेमोरी सीट्स भी मिली हुई है। गाड़ी में दो टाइप में मेमोरी सीट्स, आप दो सेटिंग्स के ऊपर आप गाड़ी की मेमोरी सीट्स को सेट कर सकते हैं। साइड इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत मुझे पर्सनली अच्छी लगी है। ऑब्वियसली ये मुझे हमेशा से चीज बताती है कि होंडाई अपनी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। साइड पर बात करें तो गाड़ी की जो चारों विंडोज है वो ऑटोमेटिक है, वन टच अप और वन टच डाउन होंगी। साथ गाड़ी में रिट्रैक्टेबल मिरर्स, ऑटो लॉक, ऑटो ऑन और ऑटो ऑफ के डोर्स की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो ओवरऑल गाड़ी में आपको थोड़ी सी डार्क सी फीलिंग आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी का जो इंटीरियर है वो टोटली ब्लैकिश सा है, तो इसमें आपको थोड़ी सी डार्क एक फीलिंग बिल्कुल मिलेगी। सो यहाँ पे बात करें तो गाड़ी में आपको, यहाँ पे गाड़ी में आपको एक आर्मरेस्ट मिला हुआ है जिसको आप वन टच से ओपन कर सकते हैं, और इसमें आपको काफी एक यूसी स्पेस मिली हुई है। साथ गाड़ी में आपको जो है एक दो कप होल्डर्स की ऑप्शन मिली हुई है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। साथ गाड़ी में आप यहाँ पे कोई, इसमें ये वायरलेस चार्जर ये आपको मिला हुआ है, इसमें आप जो है फोन अपना रख के अपने मोबाइल को वायरलेस चार्ज जो है वो कर सकते हैं। बट उसमें ये होना चाहिए कि आपका जो फोन है वो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता हो। जो आजकल के जो फ्लैगशिप फोन है उनमें सिर्फ वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आता है, नॉर्मल वेरियंट्स में नहीं आता, तो अक्सर लोगों को ये भी कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको साथ एक यूएसबी पोर्ट मिल जाएगी जिसमें आप अपनी किसी मोबाइल वगैरह को चार्ज करके वो आप उसको चार्ज कर सकते हैं। होंडाई सेंटर फे की मैं ये बैक साइड पे आ गया हूँ, तो गाड़ी के बैक लेगरूम की बात करें तो कंसिडरली गाड़ी में काफी अच्छा बैक पे लेगरूम मिला हुआ है। मेरी हाइट 5'10" है, तो उस हिसाब से जो लेगरूम है वो बहुत अच्छा और डिसेंट है। बैक पे आपको एयरवेंट्स मिले हुए, नीचे आपको दो चार्जिंग सॉकेट्स मिले हुए, सेंटर में आपको एक हम्प पे मिलेगा जिसमें थ्रू अगर आप देख सकते हैं तो गाड़ी में जो कंफर्टेबली पीछे मेरी नज़र में चार लोग बैठ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गाड़ी में आपको शेड्स मिले हुए, आपको गाड़ी में बैक पे शेड्स की ऑप्शन मिली हुई है। सो ये एक प्लस पॉइंट है जो हैवेल सिक्स में अवेलेबल नहीं है। गाड़ी की जो दोनों सीट से पावर्ड है, गाड़ी की जो ड्राइवर साइड की सीट है वो 8-way पावर्ड है, प्लस गाड़ी में जो पैसेंजर साइड की फ्रंट सीट है वो उसमें आपको बॉस सीट का फंक्शन दिया गया है, जिसमें गाड़ी में बैक वाला पैसेंजर इजीली गाड़ी की अगली सीट को इजीली आगे मूव कर सकते हैं। सेंटर फे के इंजन की तरफ चलें तो गाड़ी में आपको 1.6 लीटर का हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इंजन मिल जाएगा जो कि सिंगल टर्बो है, और ये गाड़ी की आपको करीब से बिल्ड क्वालिटी भी दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि जो लोकली असेंबल्ड पाकिस्तान में होंडाई सेंटर फे प्रोड्यूस हो रही है उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। ये बिल्कुल क्लोज से हम आपको गाड़ी का हुड जो है वो उसको हम उसकी एक लुक दिखा रहे हैं, जिसमें गाड़ी का ईच एंड एवरी कॉर्नर जो है वो आपको डिटेल में दिख रहा होगा। साथ गाड़ी में आपको साउंड इंसुलेशन के लिए डैम्पिंग शीट्स भी, डैम्पल शीट जो है वो गाड़ी के आपको हुड में प्रोवाइड की गई है, जिससे जो इंजन नॉइज़ है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो सके। ये करीब से आपको गाड़ी की इंजन की लुक दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि होंडाई की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है।